सीना ने एक तजर्बा किया। उन्होंने दो बकरी के मेमने अलग अलग पिंजरे में रखे। दोनों मेमने एक ही उम्र, वजन, नस्ल के थे और दोनों को एक ही किस्म का चारा खिलाया गया। दोनों का एक ही तरह ख्याल रखा, यानी तमाम हालात बराबर रखे। फिर मेमनों के पिंजरों की एक तरफ एक और पिंजरा रखा और उस पिंजरे में एक भेड़िया रखा। उन मेमनों में से एक मेमना उस भेड़िए को देख सकता था। कुछ महीनों बाद जो मेमना भेड़िए को देखता था वो मर गया, क्योंकि वो बेचैन, खौफज़दा और कमज़ोर होता गया, अगरचे भेड़िए ने मेमने को कुछ नहीं कहा, लेकिन मेमना खौफ और दबाव की वजह से मर गया। जो उसने महसूस किया जबकि दूसरा मेमना, जो भेड़िए को नहीं देख सकता था, अच्छी तरह से खाता पीता रहा, उसका वज़न भी बढ़ गया क्योंकि वो काफ़ी पुरामन और पुरसकून रहा। इस तजर्बे में इब्न सीना ने सेहत और जिस्म पर ज़हनी असरात के मुस्बत और मनफी असरात का मुशाहिदा किया। गैर ज़रूरी खौफ, फिकर, इस्तराब और तनाव इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं। हासिल कलाम, अगर आपको ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ना है तो अपनी राह में आने वाली गैर ज़रूरी खौफ और फिक्र और दबाव में ख़ुद को कैद न करें, नज़रअंदाज करना सीखें, फिर आप कामयाबी की मंजिल तक आसानी से पहुंच पाओगे।